हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज का वीडियो ब्लीच के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ब्लीच जो कि एक बार हमने लगाई, उसके बाद में सभी को पता है कि स्किन को बहुत हद तक क्लीन कर देती है, हमारे हेयर्स को सुनहले रंग के कर देती है और हमको थोड़ी सी हमारे स्किन टोन लाइट मिलता है। लेकिन ब्लीच अगर घर पर कर रहे हैं तो वहीं पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो वही यहाँ पर कुछ सावधानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या प्रिकॉशंस आपको रखनी है। उसके बाद अगर आप घर पर ब्लीच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स ध्यान में रखकर। अगर ये पॉइंट्स को ध्यान में रखकर के आप ब्लीच करेंगे तो आपको ब्लीच का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको कोई भी परेशानी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। फिर आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर आप ब्लीच करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखने का है कि कभी भी जब आपने थ्रेडिंग करवाई है एंड आपने अगर अपर लिप्स करवाई है, 4-8 करवाया है, तो सेम टाइम आपको ब्लीच नहीं करना है। काफी टाइम मेरे साथ भी होता है, सैलून में क्लाइंट आईब्रोज करवा लेते हैं, अपर लिप्स 4-8 करवा लेते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि हमको ब्लीच करवानी है। अब देखिए, आप अगर सैलून रन करते हैं तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप क्लाइंट को मना कर दीजिए। आप उनको बोलिए कि या तो वो 3-4 दिन बाद में आए या फिर आप तो ब्लीच ना करें, क्योंकि ब्लीच उनके स्किन को रिएक्ट कर सकती है, एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप आईब्रोज करवा रहे हैं, थ्रेडिंग अपर लिप्स एंड 4-8 करवा रहे हैं, तो फिर आपको ब्लीच नहीं करनी है, आपको स्किप कर देनी है, 2-3 दिन तो कम से कम नहीं करनी है। अब सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आप अगर घर पर ब्लीच करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ब्लीच खरीद के भी लाएंगे, तो ब्लीच खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर से चेक कर लेनी है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हमसे होती है कि हम लोग एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं। और ब्लीच एक केमिकल युक्त प्रोडक्ट है, अगर हम उसको एक्सपायरी डेट चेक किए बिना हमारे स्किन पर यूज कर लेंगे तो हमारे स्किन पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जब भी ब्लीच ही नहीं, इवन मैं तो बोलूंगी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर उसको खरीदें और यूज करें। थर्ड, जब भी आप ब्लीच करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्किन देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्लीच सेलेक्ट करनी है। इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है कि कौन से स्किन टाइप और आपका जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे ब्लीच सेलेक्ट करनी है। आपको टोन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको गोल्ड लेनी है, डायमंड लेनी है, या फिर आपका जो स्किन टाइप है सेंसिटिव है तो आपको कौन सी लेनी है, सैफ्रॉन ब्लीच लेनी है, किस ब्लीच कैसी ब्लीच लेनी है, ठीक है, तो वो भी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन टोन क्या है और उसके अनुसार कौन सी ब्लीच करनी है। क्योंकि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम हमारा फेस अच्छा दिखे, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो थर्ड, आपको ये जरूर से ध्यान रखना है। फोर्थ, जब भी आप ब्लीच कर रहे हैं और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल है तो फिर आप ब्लीच को स्किप कर दीजिए, ब्लीच मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकती है, आपकी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। तो इसीलिए ऐसे में आपको ब्लीच स्किप कर देनी चाहिए। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कट है, कोई भी प्रॉब्लम है और कोई डिजीज है आपकी स्किन पर, तब भी आपको ब्लीच नहीं करनी। ब्लीच करने के लिए देखिए, मैंने आपको स्किन टाइप बोला है। अब अगर आपकी स्किन एक्सेस में ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है, तो ऐसे में डायरेक्टली ब्लीच अप्लाई ना करें। अगर आपकी जो ब्लीच क्रीम है उसके साथ में प्री ब्लीच क्रीम आपको मिली है तो वो आप जरूर से अप्लाई करें, और अगर नहीं मिली है तो बहुत ही थोड़ा सा आप मॉइस्चराइजर लगा लें पहले, उसके बाद में आप ब्लीच करें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो ड्राई स्किन होती है ना, उस पर अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो थोड़ी सी फटी हुई सी रहती है, या फिर थोड़ा सा भी अगर आपकी स्किन कटी हुई हुई तो ब्लीच का जो केमिकल है वो आपकी स्किन के अंदर जाएगा और आपको जलन हो सकती है। तो इसलिए पहले आपको थोड़ा सा स्किन को स्मूथ करना जरूरी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए या फिर प्री ब्लीच क्रीम आती है आजकल, वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप ब्लीच कर रहे हैं
हैं, घर पर कर रहे हैं, तो आपको आपने ब्लीच किया, हो सकता है आपके ऊपर ब्लीच का असर 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, और फिर हम सोच लेते हैं कि हम वापस से ब्लीच कर लेते हैं, बट ब्लीच बार बार करने का नहीं है। आपको ब्लीच जरूरी हो तभी करनी है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा ब्लीच नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ब्लीच हमारे स्किन को बहुत ज्यादा हार्म करती है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन के अंदर तक ब्लीच जाती है और बहुत ज्यादा हार्म करती है, इवन स्किन कैंसर भी आपको हो सकता है। तो इसीलिए ब्लीच बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है कि हम घर कर रहे हैं तो ठीक है हमने छोटा पैक ला लिया और कर लिया, वो नहीं रखना है। इसके बाद में जब भी आप ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं, कभी भी 15 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा ब्लीच आपको अपने फेस पर नहीं रखनी है, उसको आपको रिमूव कर देना है टाइम के अनुसार। आपको जो भी डायरेक्शंस आपको अपने जो पाउच है ब्लीच का उस पर दिए हुए होते हैं उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन पर अगर आपने ब्लीच की है तो आपको 10 मिनट से ज्यादा ब्लीच नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसे में आपकी स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। जब भी आप ब्लीच रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम जिस आप टिश्यू यूज कर रहे हैं, रुमाल यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई पफ यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो वो गीला होना चाहिए और उसी से आपको अपनी ब्लीच रिमूव करनी है। जब भी आप फेस वॉश करेंगे ब्लीच के बाद में तो आपको ठंडा पानी ही यूज करना है, आपको गुनगुना या ल्यूकोम वाटर इस टाइप का वाटर यूज नहीं करना है। पानी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल हमारा टैप वाटर होता है वो आप यूज कर सकते हैं, बट काफी टाइम्स हम लोग गर्मियों में और थोड़ा सा भी हमारे पास अगर गर्म पानी होता है वो हम यूज करते हैं तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ठंडे पानी के छींटे देने हैं और बहुत ज्यादा बार बार भी फेस वॉश नहीं करना है। अगर आपको ब्लीच निकलवाने के बाद में चेहरा वॉश करने की इच्छा है तो ठंडा पानी यूज़ करना है। हम लोग जब घर पर ब्लीच करते हैं तो काफी टाइम हम लोग सोचते हैं कि जैसे हमने थोड़ा बड़ा पैक लिया है और हम उसको कटोरी चम्मच लेकर के मिक्स करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी स्टील या इस टाइप का मेटल का कोई भी बर्तन या बाउल जो भी आप यूज कर रहे हैं नहीं यूज करना है। आपको प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक यूज करना है। आपको पता है ना हमारी जो ब्लीच जो आती है वो भी प्लास्टिक के डिब्बे में ही आती है ना। आप स्पून भी यूज करेंगे तो या तो आप वुडन की यूज करेंगे या फिर आप प्लास्टिक यूज करेंगे, लेकिन आपको स्टील यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्लीच में जो केमिकल आते हैं ना वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके और आपके स्किन को हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्लास्टिक या वुडन, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी ब्लीच आती है वो अलग आती है और फेस ब्लीच अलग आती है। तो फेस ब्लीच को आपको बॉडी पर यूज नहीं करना है, बॉडी ब्लीच को फेस पर यूज नहीं करना है। ब्लीच करवाने के बाद में आपको धूप के कांटेक्ट में जाने से बचना है, और अगर आपको धूप में जाना भी पड़ रहा है तो कंपल्सरी सनस्क्रीन यूज करें। ब्लीच करवाने के बाद में आंच के पास में, जैसे काफी टाइम हम लोग बहुत काम करते हैं धूप या आंच के पास में, काफी लोगों के काम होते हैं आंच के पास में, आग के पास में, तो वो आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है, या फिर अगर करना भी चाहते हैं तो आपको सनस्क्रीन यूज करना है और हर 4 घंटे के अंदर आपको सनस्क्रीन रिपीट करना है अगर आप कंटिन्यूसली धूप के सामने है तो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात आती है ब्लीच एप्लीकेशन की। जब भी आप ब्लीच एप्लीकेशन करेंगे तो देखिए आपके जो आईज का ये वाला एरिया है ना, इसको आपको अवॉइड ही करना है। इस एरिया पर आपको ब्लीच नहीं लगानी है। काफी बार मैंने देखा है क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि अंडर आई डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है तो इस एरिया पर और यहाँ पर भी ब्लीच लगा सकते हैं क्या आंखों को बचाते हुए, बट नहीं, आपको नहीं लगानी है। आईब्रोज के जो हमारे हेयर है उनसे आपकी ब्लीच दूर रहनी चाहिए। आपकी जो हेयर लाइन है यहाँ से आपकी ब्लीच यहीं तक रहनी चाहिए, ठीक है, हेयर लाइन से टच नहीं होनी चाहिए, वरना ये बाल आपके सुनहले रंग के हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। काफी टाइम्स यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो हमको वो भी अवॉइड करना है, उन बालों पर बहुत ज्यादा ब्लीच नहीं लगानी है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी एरिया दूरी पर रखते हुए ही कवर करना है। तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। लिप्स पर आपको ब्लीच नहीं लगानी है। लिप्स वाला एरिया आपको जो आपके लिप लाइन है उसके नीचे नीचे आपको ब्लीच लगानी है, पर लिप्स पर आपकी ब्लीच नहीं आनी चाहिए। और देखिए गाइस,
अगर घर पर आप ब्लीच कर रहे हैं तो सबसे अच्छा टाइम है रात या शाम के टाइम पे आप ब्लीच करें, क्योंकि उस टाइम ब्लीच करके ना तो आपको कोई धूप में जाने का झंझट है ना और कोई झंझट है, और ब्लीच करके आप अपना जो भी कोई सीरम यूज करना चाहते हैं वो यूज करके और आप सो सकते हैं, तो वो आपके लिए सेफ रहेगा, ईजी रहेगा। और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं वो आपको कंपलसरी फॉलो करने हैं, अगर वो सब फॉलो करते हुए आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक एक्टिवेटर की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो मैंने बहुत सारे ब्लीच के वीडियोस बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से क्वांटिटी लेनी है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।